नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। शीतलाष्टमी यानी शीतला सप्तमी के दिन मीठा भात, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, सब्जी आदि बना लें। कुल्लड़ में मोठ बाजरा भिगो दें। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। माता जी की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग के सिकाई के निशान ना हो। इसी दिन यानी सप्तमी के एक दिन पहले छठ को रात को सारा भोजन बनाने के बाद रसोई घर की साफ सफाई करके पूजा करें। रोली, मौली, पुष्प, वस्त्र आदि अर्पित कर पूजा करें। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले 9 कंडवारे, 1 कुल्हड़ और 1 दीपक कुम्हार के यहाँ से मंगवा लेना चाहिए। बासोड़े के दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं। एक थाली में कंडवारे भरें। कंडवारे में थोड़ा दही, राबड़ी, चावल, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा मोठ बाजरा आदि जो भी बनाया हो वो रखें। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा, वस्त्र, होली वाली बड़कुले की एक माला व सिक्का रखें। जल कलश भर कर रखें। पानी से बिना नमक के आटा गूंद कर इस आटे से एक छोटा दीपक बना ले। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबो कर लगा ले। यह दीपक बिना जलाए ही माता जी को चढ़ाया जाता है। पूजा के लिए साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा की थाली पर कंडवारों तथा घर के सभी सदस्यों को रोली हल्दी से टीका करें। खुद भी टीका लगाएं। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना, शीतल आशीष प्रदान करना, घर में प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनी रहे, आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहे। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि शीतला माता घर पर हो तो घर पर ही पूजा कर सकते हैं।